फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन सबकी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है जी, चलिए। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमें इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में करना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से आपके फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपने ये टॉपिक करना है और टॉपिक का नाम है आपका ग्रीवियंस इन इंडस्ट्री। तो जब मैं आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करूँगा, साथ के साथ मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हाँ, इस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि कई बार एक मिसकंसेप्शन रहता है दिमाग के अंदर कि क्वेश्चन इसमें से, इस एरिया में से फ्रेम होगा या नहीं होगा। तो वो आपको हेल्प करेगा, जब आप खुद से भी पढ़ोगे चीज़ें तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ऑलराइट, चलिए। तो ग्रीवियंस में सबसे पहले तो हम बेसिक जानेंगे कि ग्रीवियंस होता क्या है, उसके बाद कुछ नेचर एंड कॉजेज समझेंगे ग्रीवियंस के, और फिर ग्रीवियंस को के मेथड्स क्या हैं डिस्कवर करने के, वेरियस मेथड्स ऑफ डिस्कवरिंग ग्रीवियंसेस, वो क्या यूज़ किए जा सकते हैं कंपनी में, उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं डिस्कवरिंग ग्रीवियंस वाले एरिया में से। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रीवियंस बेसिकली, अगर आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में या कॉमन मैंस लैंग्वेज में डिफाइन करने की कोशिश करो तो ग्रीवियंस एक तरह का डिफरेंस होगा। ठीक है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक तरह का डिफरेंस होगा। एम्प्लॉयज़ को कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ से, मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस से। अगर वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं मैनेजमेंट उनको फुलफिल नहीं कर पा रही है, सो इट विल लीड टू ग्रीवियंस। ऑलराइट, कई बार क्या होता है, ग्रीवियंस को सिनोनिमसली यूज़ किया जाता है, सिनोनिमसली वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है कंप्लेंट। ठीक है, ग्रीवियंस और कंप्लेंट मोर और लेस सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कंप्लेंट इज़ द इनिशियल स्टेज। ठीक है, कंप्लेंट जो होता है वो आपका बेसिकली इनिशियल स्टेज होता है। अगर वो कंप्लेंट अनरिजॉल्व रह जाए तो इट टर्न्स इनटू ग्रीवियंस। इंटेंसिटी का फर्क होता है। ठीक है, जब हम लॉ में कंप्लेंट और ग्रीवियंस टर्म यूज़ करते हैं तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी। तो ग्रीवियंस आप अब देखो, अगर ग्रीवियंस जो है इसको ऐसे समझिए कि ये कोई रेयर फीलिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये हो गया तो कुछ बहुत गलत हो गया। अगर कोई भी कहीं पर काम कर रहा है, दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक को दूसरे से कोई ना कोई ग्रीवियंस होगी ही होगी। अभी जब मैं आपको आगे चलकर ग्रीवियंस की डेफिनेशन दिखाऊंगा जो आपको ILO ने दी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेफिनेशन दी है, तो उसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियरली डिफाइन किया है कि ग्रीवियंस सिर्फ वो नहीं है जो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से होती है या एम्प्लॉय को मैनेजमेंट से होती है। अगर एम्प्लॉयर को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई शिकायत हो सकती है वर्कर से, ठीक है, एम्प्लॉयर को भी कोई शिकायत हो सकती है एम्प्लॉय से, तो ग्रीवियंस एम्प्लॉयर को भी हो सकती है। ऑलराइट, सो ऐसा नहीं है कि ग्रीवियंस हमेशा एम्प्लॉय को ही होगी एम्प्लॉयर से, चांसेस दो उसके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो देखिए रेयर फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये एक तरह से इनहेरेंट होती है ह्यूमन नेचर में, हमें किसी ना किसी चीज़ से प्रॉब्लम रहती ही रहती है। समझ रहे हो? आप खुद का एग्जाम्पल, कोई भी आपके सामने, आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके फ्रेंड्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप देखोगे कुछ ना कुछ कंप्लेंट हमेशा रहेगी ही रहेगी। रोड नहीं बनती, सरकार रोड नहीं बनाती, सड़क नहीं बनाती। अब सड़क बनाने बैठ जाए सरकार अगर, तो ये क्या दिन में ही करना था इनको काम, सारी सड़क बंद कर दी इन्होंने, हम आ जा नहीं पा रहे, डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो सड़क नहीं बन रही थी तब भी प्रॉब्लम थी, तब भी कंप्लेंट थी, और जब सड़क बन रही है तब भी कंप्लेंट है। अगर आप लॉजिस्टिकली देखो, रात को सड़क बनाना बड़ा मुश्किल काम है, वो आसान काम नहीं है। ठीक है, आपको तो सिर्फ ऐसा लगता है कि वो बजरी डाल दी और सड़क बन गई, ऐसा नहीं होता, एक प्रोसेस होता है पूरा। तो कंप्लेंट जो है वो हमेशा रहेगी रहेगी, सेटिस्फेक्शन इंसान में नहीं आती है। अब दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन की, एक होती है ऑर्गेनाइज डिससेटिस्फेक्शन जिसकी वजह से अल्टीमेटली ग्रीवियंस इमर्ज होता है, और एक होता है अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज डिससेटिस्फेक्शन में क्या होता है, एक कलेक्टिव फॉर्म ऑफ कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, सबको प्रॉब्लम है, साफ पीने का पानी नहीं है फैक्ट्री में। ठीक है, जिस फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे साफ पीने का पानी नहीं है, यूज़ करने के लिए वॉशरूम नहीं है, तो इससे सबको प्रॉब्लम हो रही है। ये सबका कंप्लेंट है, ये सबकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कलेक्टिव फॉर्म है कन्फ्लिक्ट का। तो अल्टीमेटली वर्कर्स जो हैं वो मेथड्स यूज़ करेंगे जैसे स्ट्राइक्स, गो स्लोज, वर्क टू रूल। जब हम अभी कन्फ्लिक्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में, सबके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं इनको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज। अब अनऑर्गेनाइज फॉर्म क्या होता है, ये एक तरह से इंडिविजुअल फॉर्म होता है, किसी इंडिविजुअल को कोई कन्फ्लिक्ट है, उसकी सैलरी डिले हो गई, ठीक है। अब सैलरी डिले होगी तो एक बंदे की सैलरी डिले होगी तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे की सारी वर्कफोर्स स्ट्राइक करके बैठ जाएगी, समझ रहे हो। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट में आ रहा है और इससे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, कई बार इसमें स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट एम्प्लॉयर के इन्वॉल्व नहीं होते, उसको होता है कि यार चल एक वर्कर ही तो क्या ज़्यादा ज़्यादा नौकरी छोड़ देगा, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज में क्या हो गया, ये इंडिविजुअल बेस्ड रहता है और ऑर्गेनाइज में कलेक्टिव बेस्ड रहता है। अब हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर आप 2017 का पेपर देखो, डेफिनेशन बेस्ड या एक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको पहले भी वो क्वेश्चन दिखाए हैं, जैसे आपका ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक पैरा दे दिया था 1948 के जो आपका ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन था, उसमें से आपसे सवाल पूछ लिया था, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अब ILO ग्रीवेंस को कैसे डिफाइन करता है, ILO कहता है कि कोई भी कंप्लेंट, एनी कंप्लेंट ईदर बाय वर्कर यानी कि इंडिविजुअल वर्कर, ग्रुप ऑफ वर्कर, ट्रेड यूनियन और बाय एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर इंक्लूडेड है इसमें, और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स और एन एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ एम्प्लॉय की ग्रीवेंस नहीं होती, एम्प्लॉयर की भी कुछ ग्रीवेंसेज होती हैं, ठीक है, रिगार्डिंग सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप और इन केस ऑफ वर्कर्स रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। अब इसमें से सीधा सीधा सवाल बन सकता है आपका, सीधा सीधा सवाल किस तरह से बनेगा, अगर मैं यहाँ पर सवाल बनाने की कोशिश करूँ, चलो एक सवाल बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि ILO डिफाइंस ग्रीवेंस एज, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 दे देगा, स्टेटमेंट नंबर 1 आपको यहाँ से दे देगा एनी कंप्लेंट बाय अ वर्कर और ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ऐसे दे देगा, ठीक है, जो भी एस्पेक्ट्स हैं। सेकंड स्टेटमेंट दे देगा एनी कंप्लेंट बाय अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स। सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है, लेकिन अगर पता होगा तभी दे पाओगे। अब ऑप्शन ए दे दिया आपको 1 ओनली, बी दे दिया 2 ओनली, सी दे दिया बोथ एंड डी दे दिया नन ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। ऑलराइट, तो इस तरह से सवाल बन जाते हैं पेपर में, तो आपको तैयार रहना है कि किस, और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, ऐसा नहीं है कि हज़ारों डेफिनेशंस जो ग्रीवेंस की गिवन होती है मैं आपको वो करा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट, ILO इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न टू लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपके नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने दिया है, फर्स्ट नेशनल लेबर ऑन कमीशन ने दिया है। तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर ग्रीवियंस को कैसे आइडेंटिफाई करता है, अकॉर्डिंग टू इट एनी ग्रीवियंस अराइजेज आउट ऑफ कंप्लेंट्स अफेक्टिंग वन और मोर इंडिविजुअल वर्कर्स, ऑलराइट, इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कंडीशन ऑफ वर्क एंड नॉट डिस्प्यूट्स ओवर मैटर्स ऑफ जनरल एप्लीकेबिलिटी लॉ टू लॉ। पहली चीज़ इसमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि जो नेशनल कमीशन ऑन लेबर है वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग क्लास यानी कि वर्कर की ग्रीवियंसेस को देख रहा है। ILO में हमने देखा कि एम्प्लॉयर ग्रीवियंसेस को भी देखा गया है, रखा गया है डेफिनेशन के अंदर, इंक्लूड किया गया है, पर ऐसा नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने नहीं किया। दूसरा, नेशनल कमीशन ऑन लेबर क्या कहता है कि ऐसी कंप्लेंट्स, ऐसी प्रॉब्लम्स जो जनरल नेचर की नहीं है, ठीक है, जैसे अगर किसी स्टेट में उस स्टेट की गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस सेट की हुई हैं, अब वो मिनिमम वेजेस से सारी उस स्टेट के सारे वर्कर्स को प्रॉब्लम है, तो वो जनरल है, प्रॉब्लम है, ठीक है, वो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री के या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लोग जाकर के कंप्लेंट कर दें, क्योंकि वो बाय लॉ फिक्स हुई हुई है लॉ वेजेस, तो उसके लिए वो जनरल एप्लीकेबिलिटी आ गई, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं चलेगी, ग्रीवेंसेज वो उस केस में नहीं आएगा, ठीक है। चलो, अब 3 कंडीशन होती हैं जब कंप्लेंट ग्रीवियंस बन जाती है। मैंने आपको बताया ना, कंप्लेंट जो है वो एक स्टार्टिंग लेवल है, और ग्रीवियंस अगर कंप्लेंट अनरिजॉल्व रहे तो इट कैन टर्न इनटू अ ग्रीवियंस। तो कंप्लेंट कब ग्रीवियंस बन जाती है, सबसे पहले जब एम्प्लॉय को लगे कि भैया अब तो कतई अन्याय हो गया है, बहुत इनजस्टिस हो गया है, हमारी ना कोई सुनवाई हो रही, ना हमारी कोई बात सुन रहा, ना हमें हमारे पैसे मिल रहे, ठीक है, तो एम्प्लॉय फील्स दैट देयर इज सम इनजस्टिस हुआ है। दूसरा, अगर एम्प्लॉय अपनी कंप्लेंट को एक्सप्रेस कर देता है अपने सुपीरियर को, अपनी मैनेजमेंट को वर्बल या रिटन फॉर्म में, तो वो ग्रीवियंस की कैटेगरी में आ जाती है। तीसरा, अगर जो प्रॉब्लम है, जो एम्प्लॉय का कंप्लेंट है, दैट इज़ रिलेटेड टू द पॉलिसीज़, प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस ऑफ द कंपनी, ठीक है, पीने का पानी नहीं आ रहा, ये पॉलिसी का फॉल्ट नहीं है इसमें। ठीक है, एम्प्लॉय को पानी पीने नहीं देना जाया जाएगा जब उसका वर्किंग टाइम चल रहा है, वहां पर प्रॉब्लम है पॉलिसी में कि आपने एक ऐसा पॉलिसी बना दिया कि भैया जब प्यास लगेगा तो सिर्फ ब्रेक जब तुम्हारा है तब तुम पानी पी सकते हो, उसके अलावा तुम्हें पानी पीने भी नहीं जाना। तो दैट इज़ अ फॉल्टी पॉलिसी। पर एक दिन अगर पानी खत्म हो गया तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये मैनेजमेंट की पॉलिसी है कि पानी जानबूझकर खत्म कर दिया है ना। तो ये तीन कंडीशंस होगी जब कंप्लेंट जो है वो ग्रीवेंस में टर्न हो जाएगा। अब देखते हैं नेचर एंड कॉज ऑफ ग्रीवेंस। वैसे तो नेचर एंड कॉज ऑफ बहुत जनरल सा नेचर होता है इसका। ठीक है, प्रमोशन नहीं हुआ, प्रमोशन रोक दिया गया, डिले कर दिया गया, सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन नहीं मिला, पे फिक्सेशन में गड़बड़ है, अमेनिटीज़ नहीं है, ठीक है, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमेनिटीज़ है, और या फिर मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं प्रॉपरली, सर्विस मैटर हो गया, ट्रांसफ़र हुए जा रहा है बार बार, सर्विस कंटिन्यू किए जा रहे हैं रिटायरमेंट एज के बाद भी, कंपनसेशन नहीं मिल रहा प्रॉपर, ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो अनजस्ट है। अगर कोई इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम थी और पनिशमेंट आपने इनडिसिप्लिन की जितनी इंटेंसिटी थी उससे ज़्यादा दे दी। अभी हमने पिछले लेक्चर में इनडिसिप्लिन किया है तो हमने देखा था कि भैया इनडिसिप्लिन जितना मतलब ग्रेव क्राइम हो उतना ही होना चाहिए आपका पनिशमेंट भी, समझ रहे हो। ब्रेड चुराने की सज़ा और आरबीआई में करेंसी प्रिंट करने वाली डाई चुराने की सज़ा सेम नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऑफेंस के अकॉर्डिंग ही आपकी पनिशमेंट सेट होगी। उसके बाद नेचर ऑफ जॉब, जॉब नहीं पसंद आ रहा, जॉब में ग्रोथ नहीं है, कंडीशन ऑफ वर्क ठीक नहीं है, पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये कोई आपसे सवाल में पूछने नहीं वाला। ठीक है, अब ग्रीवेंस को हैंडल कैसे किया जाता है? दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एक होती है स्मॉल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है लार्ज और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब स्मॉल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वर्कर का डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है मैनेजर के साथ। ठीक है, तो इस डायरेक्ट इंटरेक्शन की वजह से फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं होता जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में 10-15 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप क्या कमिटियाँ बनाओगे या क्या अलग से डिपार्टमेंट बनाओगे, है ना। तो फॉर्मल मैकेनिज्म कोई नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है वो सारे एम्प्लॉयज़ को पर्सनली जानता होता है, एम्प्लॉयज़ सारे एम्प्लॉयर को पर्सनली जानते होते हैं। एम्प्लॉय को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सीधा जाता है एम्प्लॉयर के पास, कहता है ऐसा ऐसा मुझे दिक्कत है, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, तो एम्प्लॉयर या तो उसकी मान लेगा या उसको समझा बुझा के भेज देगा। फालतू का कोई टंटा इसमें है नहीं, कोई एचआर कोई ये वो सब खत्म हो जाता है इसमें। दूसरी तरफ आ जाती है आपकी लार्ज एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। अब रिलायंस का कोई आपको एम्प्लॉय मिलेगा तो उससे पूछना कभी क्या मुकेश अम्बानी से मिला है या मुकेश अम्बानी उसके घर आया था क्या, नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, अम्बानी किस किस से मिलेगा, है ना। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं इनमें फॉर्मल मैकेनिज्म होता है ग्रीवियंस रिड्रेसल का, एक डिपार्टमेंट बना होता है प्रॉपर या एक ऑफिशियल अलॉटेड होता है जिसके पास आप अपनी कंप्लेंट लेकर के जा सकते हो अगर आपको कोई कंप्लेंट है। ठीक है, अब ये एक प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड कर देता है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपनी जितनी उनके मन में भड़ास है सारी बाहर निकाल सकें। एक ऐसा सिस्टम होना एक ऐसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब जब ग्रीवियंस प्रोसीजर प्रॉपर हो ना, फॉर्मल ग्रीवियंस प्रोसीजर हो, तो इससे क्या होता है, यूनियंस भी अपने आप को रिप्रेजेंट करके बार्गेन कर सकती हैं। इनफॉर्मल में तो क्या था, 10 तो लोग हैं, वहाँ पे कोई यूनियन फॉर्मेशन नहीं है, उसके बाद सीधी इंटरेक्शन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, बार्गेनिंग का इतना स्कोप नहीं बचता। ठीक है, अगर एम्प्लॉय को कोई कन्फ्लिक्ट होता भी है तो वो क्लोज्ड डोर मीटिंग होती है एम्प्लॉयर के साथ, सिंगल एम्प्लॉय, तो सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, क्योंकि एक प्रॉपर ग्रीवियंस सेल है तो सारे के सारे वर्कर्स, अगर कॉमन कलेक्टिव प्रॉब्लम है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये है लार्ज एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आप देखो तो लार्ज एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो था वो कहता है कि भैया एक तो सबसे पहले जो ग्रीवियंस सॉल्व करने का प्रोसीजर होना चाहिए दैट शुड बी वेरी सिंपल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रीवियंस अगर किसी को हो गई तो वो वहाँ तक उसको सामने ही ना लेके जाए कि भैया कौन पड़े इतने लफड़े में, समझ रहे हो। तो कमीशन ने साथ ही साथ ये भी बोला कि एक फॉर्मल ग्रीवियंस प्रोसीजर हर उस ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, हर उस इंडस्ट्री में होना चाहिए जिसमें 100 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, 100 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं। और इसने रिकमेंड किया 3 स्टेप प्रोसीजर। पहले अगर कोई ग्रीवियंस होती है तो एम्प्लॉय को जाना चाहिए अपने सुपीरियर के पास, इमीडिएट सुपीरियर, ठीक है, उसका जो इमीडिएट बॉस है। दूसरा, अगर सुपीरियर के थ्रू भी उसकी ग्रीवेंस रिजॉल्व नहीं होती तो उसको जाना चाहिए डिपार्टमेंटल हेड या डिपार्टमेंटल मैनेजर के पास। अगर हेड भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता तो अल्टीमेटली इट गोज़ टू अ कमिटी, और ये बाइपैटाइट कमिटी होती है, इसमें मैनेजमेंट और यूनियन, लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन दोनों के मेंबर होते हैं, ठीक है, तो इसके पास जाएगा इशू। अब अगर यहाँ पे भी इशू रिजॉल्व नहीं होता, अगर एम्प्लॉय को ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, तो फिर मैटर रेफर किया जा सकता है एक आउटसाइड आर्बिट्रेटर को, ठीक है, ये सारा प्रोसेस। और जनरली आपके जो एक्ट्स हैं और जो रूल्स हैं उनमें यही प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है, तो थोड़ा सा याद रखना। पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपने पेपर देखे हो पिछले सालों के यूपीएससी वगैरह के, तो क्रोनोलॉजी बेस्ड पूछ लेते हैं कि भाई पहले किसके, पहले इमीडिएट सुपीरियर के पास जाएगा, फिर मैनेजर के पास जाएगा, फिर आपका बाइपैटाइट कमेटी के पास जाएगा, उसके बाद आर्बिट्रेटर के पास जाएगा, अरेंज करने को कह देगा, ठीक है, तो उस तरह से सवाल बन जाता है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इज रिलेटेड टू डिस्कवरिंग ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंस को कैसे डिस्कवर करें? अब कई बार क्या होता है, मैं एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो गई कोई, लेकिन एम्प्लॉय डजेंट शेयर्स हिज प्रॉब्लम्स, हिज कंप्लेंट्स, कुछ भी रीज़न हो सकता है, डर हो सकता है, नौकरी खो देने का डर, डीमोशन का डर, ठीक है, तो ग्रीवियंस डिस्कवर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है, क्योंकि अगर आप डिस्कवर नहीं कर पाओगे, मैंने कहा ना कंप्लेंट होती है पहले, उस कंप्लेंट को आपने बढ़ने दिया वो ग्रीवियंस में बदल जाएगी, उस ग्रीवियंस को भी आप रिजॉल्व ना कर पाए, अल्टीमेटली क्या होगा, आपके एम्प्लॉय सारे स्ट्राइक पे चले जाएंगे, आपका धंधा बंद हो जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप ग्रीवियंसेस को डिस्कवर करने के तरीके ढूंढो। अब अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ग्राइप बॉक्स, ओपन डोर पॉलिसी, एग्जिट इंटरव्यू, ओपिनियन सर्वेज, ग्रीवियंस प्रोसीजर, तो इनको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली देखते हैं, और अगर इसमें से फिर क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। सबसे पहले आता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में ही होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में 5-10 लोग होते हैं जहाँ पर, या छोटे ग्रुप्स में। अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी है तो उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अगर छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं 5-10 लोगों के। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, ये है मैनेजर साहब, मैनेजर साहब जो हैं ऐसे उनके पास हमेशा एक चश्मा रहता है, वो देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं बिहेवियर को, अपने सबॉर्डिनेट्स का, अपने साथ काम करने वालों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है। अब बिहेवियर ऑब्जर्व करने से पता चल जाता है कि क्या एम्प्लॉय जो है नाखुश है। बेसिकली कंप्लेंट या ग्रीवियंस से क्या होता है, एम्प्लॉय में नाखुशी आती है, ठीक है, तो अब मैनेजर यहाँ पर क्या ट्राई करेगा कि किसी तरह से वो देख ले कि भैया क्या है जो एम्प्लॉय को तंग कर रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा। अब बिहेवियर ऑब्जर्व करने के क्या तरीके हैं, वो ज़्यादा छुट्टी मारने लग गया, हर दूसरे दिन छुट्टी पे है, एब्सेंटिज्म है, इनडिसिप्लिन है, साथ में काम करने वालों के साथ बदतमीजी से बात कर रहा है, एंथुजियाज्म नहीं दिखा रहा काम करने में, ढीला ढीला रहता है, ओके सर कर देंगे, ऐसे वाला माहौल बन चुका है, ठीक है। तो अब एम्प्लॉयर को या मैनेजर को पता चल गया कि हाँ भैया इसको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसे मेथड को यूज़ करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो मैनेजर है ना वो सेंसिटिव होना चाहिए सबॉर्डिनेट्स की फीलिंग्स के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो है ही कामचोर, कोई छुट्टी मार रहा है ये तो है ही कामचोर, इन्हें तो काम ही नहीं करना, ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। उसको एनालाइज करें कि क्यों वो इतनी छुट्टियाँ मार रहा है, क्या उसके घर पे कोई प्रॉब्लम है, अगर उसके घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों नहीं आ रहा वो ऑर्गेनाइजेशन में, क्या उसको ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। और ऐसी ऑब्जर्वेंस के लिए ये भी ज़रूरी है कि मैनेजर जो है वो एफिशिएंट हो, नॉलेजेबल मैनेजर होना चाहिए जो समझ सके इन चीज़ों को, जो एनालाइज कर सके इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए दूसरा आ जाता है आपका ग्राइप बॉक्स। अब ये सारे जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, इनमें से पॉइंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड। अब ग्राइप बॉक्स क्या होता है, सिंपल बक्सा रख दिया, कंप्लेंट बॉक्स रख दिया, इनोवेटिव वे है। अब इसमें देखो, एक तो इनोवेशन इसमें ये है कि कोई भी एम्प्लॉय को डिससेटिस्फेक्शन है तो वो कंप्लेंट जाकर पर्ची पर लिखकर उसको कंप्लेंट बॉक्स में डाल देगा, और उससे उसकी एनोनिमिटी बनी रहेगी, यानी कि उसको उसमें नाम पता लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इस फलाने एम्प्लॉय ने कंप्लेंट की है, ठीक है। और ये बॉक्सेस जो हैं आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में प्रोमिनेंट लोकेशंस पे रखे जाते हैं, कैंटीन में रख देंगे, स्टाफ रूम में रख देंगे, रिसेप्शन पे रख देंगे। अब एम्प्लॉय जो है वो कंफर्टेबल फील करता है इस वे में कंप्लेंट करने में, क्योंकि इससे उसको ये डर नहीं रहेगा कि मैनेजमेंट उसके ऊपर गुस्सा कर देगी, क्योंकि मैनेजमेंट को तो पता ही नहीं कि कौन से एम्प्लॉय ने ग्रीवियंस एक्सप्रेस की है, ठीक है। तो इसी वजह से ग्रेप बॉक्स जो है इट इज़ अ वेरी यूजफुल मेथड। अब ये सीधा सीधा आपसे पूछ लेंगे कि होता क्या है ये। अब कंप्लेंट बॉक्स तो सबको पता होता है, लेकिन लेबर लॉ के टर्म में ये टर्म यूज़ होती है, तो इसमें पूछ लेंगे आपसे कि क्या मेथड होता है ये। ऑलराइट, चलिए उसके बाद होती है ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी ये कातिया का दरबार लगता है ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है, दरवाज़ा खोलेगा सीधा एम्प्लॉयर के दफ्तर में जाएगा, कहेगा मेरे को ये प्रॉब्लम है, और अल्टीमेटली फिर दोनों आपस में डेमोक्रेटिक वे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे और अल्टीमेटली उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद आ जाता है आपका एग्जिट इंटरव्यू। अब एग्जिट इंटरव्यू से आपको थोड़ा सा आइडिया लग ही गया होगा कि होता क्या है। एग्जिट इंटरव्यू एक तरह से इंटरेक्शन होती है, जो लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं उनको इस तरह का एक पर्चा दे दिया जाएगा, ठीक है। अब पर्चा दे देंगे, उसमें कुछ सवाल होंगे कि भाई क्यों तेरे को निकाला जा रहा है या क्यों तू निकल रहा है। अगर तेरे को निकाला जा रहा है तो उसका क्या कारण है, अगर तू खुद जा रहा है तो उसका क्या कारण है, कि भाई तेरा कोई पर्सनल रीज़न है, कहीं और जॉब मिल गई तुझको, रिटायर हो रहा है, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चनर होगा, उसमें सवाल पूछे जाएंगे कि अगर प्रॉब्लम है कंपनी से तो क्या प्रॉब्लम है, इस तरह के। तो एक फॉर्म दे दिया जाएगा जो भी एम्प्लॉय रिज़ाइन कर चुका है या जिसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जा चुका है, जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है। अब देखो वो तो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है, लेकिन जो उसकी प्रॉब्लम्स थी वो दूसरे एम्प्लॉयज़ को भी हों, क्या पता वो इसलिए छोड़कर जा रहा हो कि उसको शुगर की प्रॉब्लम हो और उसको वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में वॉशरूम नहीं है। ये आपको प्रॉब्लम बहुत छोटी लग रही होगी कि सर आप वॉशरूम के पीछे क्यों पड़े हुए हो, पर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वॉशरूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के लिए। समझ रहे हो? तो अगर ऐसे उसको इन्हीं रीजंस की वजह से, मल्टीपल रीजंस की वजह से, हाइजीन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर, उस वजह से जा रहा है, तो और एम्प्लॉयज को भी प्रॉब्लम होगी। तो एग्जिट इंटरव्यू के फॉर्म में वो लिख देगा हाइजीन प्रॉब्लम्स, तो एम्प्लॉयर जो है, मैनेजमेंट जो है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी, रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। समझे? चलो ठीक है, एग्जिट इंटरव्यू समझ आ गया। उसके बाद ओपिनियन सर्वे। ओपिनियन सर्वे एक प्रोएक्टिव मेथड है, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ग्रीवियंस इमर्ज होने का या कंप्लेंट इस्टेब्लिश होने का, कंप्लेंट इमर्ज होने का वेट कर रहा है। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट रेगुलर पीरियड्स पे सर्वे कंडक्ट कराती रहती है। एक इस तरह का सर्वे फॉर्म जो है दे दिया जाएगा सारे वर्कर्स को, उनको कहा जाएगा कि फिल करो, और इस सर्वे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिससे जज किया जा सके कि क्या एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है या अनसेटिस्फाइड है। अगर अनसेटिस्फाइड है तो नेसेसरी एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये रेगुलर इंटरवल्स पे कराया जाता है। इट इज़ अ प्रोएक्टिव मेथड, ये याद रखना है। प्रोएक्टिव मेथड मतलब कि ये प्रॉब्लम होने के बाद किए जाने वाला प्रोसेस नहीं है, प्रॉब्लम से पहले ही को जानने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रीवियंस प्रोसीजर। अब ग्रीवियंस प्रोसीजर क्या कहता है, ये कोई एक तरह से मेथड नहीं है, ये कहता है कि भैया एक फॉर्मल और सिस्टमेटिक ग्रीवियंस प्रोसीजर हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट वे, जिससे आप समझ सकें सबको, सबकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कर सकें, और साथ ही साथ ये एम्प्लॉयज़ को एक एवेन्यू दे देता है, ताकि जिससे एक तरह की एक वेंट प्रोवाइड करता है उन्हें, जिससे वो अपनी ग्रीवियंसेस को एक्सप्रेस कर सकें। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये है कि कोई भी मेथड जो भी हमने डिस्कस किया डिस्कवरिंग ग्रीवियंस का, वो फिक्स नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशंस जो है मिक्स या मल्टीपल फॉर्म में इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट आज के लेक्चर में डिस्कस करते हुए लीगल फ्रेमवर्क देखेंगे ब्रीफली, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क को जब हम लॉज करेंगे प्रॉपर वे में तब भी हम समझेंगे इनको। अभी हमारा मेन जो एजेंडा है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा।